अगर इस वीडियो को अपलोड करो तो मेरा नाम प्लीज़ क्रेडिट में से हटा देना, कहीं कल को मेरे घर के शीशे भी ना टूट जाए। और यार दोस्त क्या कर रहा है? डांस कर रहा हूँ। ओ मजाक तो ना कर, ये तो मुझे भी पता है तू लिख रहा है, लेकिन लिख क्या रहा है? ऐसे। अच्छा ऐसे, तो सारे ऐसे ही लिखते हैं, पर तू लिख क्या रहा है? अब मजा आएगा शहरी और रेहान को, बड़े दोस्त बने फिरते हैं। आए, बड़ी भूख लगी है। ये सारे घर वाले कहाँ गए? अल्लादित्य चाची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मैंने ना जरा भूख लगी थी तो मैं क्या जरा पेट पूजा ही हो जाए। हटो तुम, मैं देती हूँ खाना तुम्हें। एक तो तुम्हें हर घंटे के बाद भूख लग जाती है, तौबा है भाई। चाची बड़े लोग नजर नहीं आ रहे। कौन? नहीं मेरा मतलब है बुजुर्ग लोग नजर नहीं आते पे। सदर बेटी और मिसवा बेटी पार्क गई है वॉक करने के लिए और बच्चे बाहर लॉन में खेल रहे हैं। वाह वड्डे लोग ते वड्डियां ही सहरा। ए अपना चांद किथे? चांद? ओ चंदा, तुम उन्हें अनाया आपी कहोगे, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वो स्कूल वालों के साथ पिकनिक पे गई है। ओ चलो छोड़ो नानू, ए दसो अपना अंजुम चाचा किथे ने? अब उनसे क्या काम है तुम्हें? ओ मेरे नाल कोई खेलता ही नहीं, ना कोई मैनू प्यार नाल बुलांदा है, तो मैं क्या अपने टोपी वाले चाचे नाल ही गल्ला कर लां? देखो बेटा, यहाँ किसी के पास फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलते फिरे। तुम खामोशी से खाना खाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो, ठीक है ना? लो ए की गल हुई, साढ़े घर कोई मेहमान आ जाए जैसे पूरा खानदान ओद गिर फिरकी बन के मन लाता है, तो इतने कोई लिफ्ट ही नहीं। अल्लाह दिते वो गाँव है, ये शहर है बेटा, यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, यहाँ बहुत मसरूफियत है, हर बंदा बहुत मसरूफ रहता है। बस ज्यादा बातें नहीं करो, तुम खाना खाओ और जाकर कमरे में आराम करो। तोबा नखरे देखो इसके। अम्मी आपको मिली मेरी कॉपी? नहीं बेटा कहीं नहीं मिली, कहाँ रखी थी तुमने? मैंने सोफे पर रखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो फिर ढूंढो जाके, मैंने भी बहुत ढूंढी है, खामखा मेरा इतना टाइम जाया करवा दिया तुमने। चौधरानी जी, आप चौधरी साहब को ढूंढ रही हैं? नहीं अपने बाप को ढूंढ रही हूँ। अच्छा वो नहीं मुझे पता फिर से। अच्छा वैसे मुझे क्या बारे आने हो, क्या ढूंढ रहा है? यार मेरी कॉपी नहीं मिल रही जिसमें मैंने ऐसा लिखा था, पता नहीं कहाँ पे चली गई है, कल टीचर से मैं क्या कहूँगा? दोस्त बुरा ना मनाना, मुझे लगता है तेरी कॉपी शहरी ने ले ली होगी। वो क्या है कि मैं कल से देख रहा हूँ वो तेरे से पढ़ाई में जलता है, और तू ज़्यादा लाइक है ना इसलिए, समझा कर। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो शरारती है पर ऐसा नहीं है। अच्छा देख लो, मैं तो कहता हूँ उसका कमरा चेक कर लो, उसका बैग वगैरह खंगाल लो, हो सकता है मेरा शक गलत साबित हो। कहता है तो मैं चलूँ तेरे साथ? नहीं नहीं वैसे कह तो ये ठीक रहा है, शेरी अपनी स्टडीज को लेकर वाकई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं भी आया।
ये लो बेटा अपनी मिस्टेक्स देख लो, कोशिश आपने अच्छी की है, कुछ कुछ जगहों पे जुमले कुछ ठीक नहीं हैं और कुछ वोकैबुलरी की मिस्टेक्स हैं, बाकी आप खुद पढ़ लो। थैंक यू इमरान भाई। शेरी क्या बदतमीजी यार, तुम्हें पता है गोपी कहाँ से मिली है? कहाँ से? और अम्मी से पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी यार, और तुम्हारे बैग में पड़ी थी। मेरे बैग में? जी। मेरे बैग में कैसे चली? और बस यार इतने मासूम ना बनो प्लीज, अगर तुमने मजाक किया ना तो मुझे जरा पसंद नहीं आया, और अगर तुमने इसलिए किया है कि कल मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में हार जाऊँ तो वेरी बैड। शेरी यार तुम उसे जेलस होने की बजाय थोड़ा पढ़ क्यों नहीं लेते? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बोली जा रहे हो? और मैं क्यों होगा तुमसे जेलस, मैंने तुम्हारी कोई कॉपी नहीं ली। बस क्या हो गया बच्चों, कोई गलतफहमी हो गई होगी, बैठो आराम से। नहीं इमरान भाई मुझे इसे पूछने दे, ये कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता है? और मैं क्यों होगा इससे जेलस, जेलस तो ये मुझसे है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी इससे ज्यादा एक्टिव हूँ, और इससे अपने कॉम्प्लेक्सेस छुपाने के लिए मुझ पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। ओ बस यार अब झूठ मत बोलो, सच बताओ मेरी कॉपी तुमने ली है? क्या हुआ बच्चों, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं बताती हूँ, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की कॉपी अपने बैग में छुपा कर रखी ताकि वो ऐसे कंपटीशन में उसके ऐसे से चीटिंग कर सके। क्या भाभी, शेरी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों शेरी? जी अम्मी मैं यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रायान को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। सदफ तुम जरा अपने बच्चों की तरबियत पे थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई पर तो देना नहीं और ऊपर से उन्हीं की साइड ले रही हो, कैसी माँ हो तुम? एक्सक्यूज मी भाभी, ठीक है मेरे बच्चे पढ़ाई में इतना तेज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो रायान की कॉपी शेरी के बैग पर उड़कर चली गई। भाभी आप दोनों बैठे प्लीज, बैठे। नहीं बैठना मुझे। भाभी ठहर जाएं प्लीज, कूल डाउन हो जाएं। रायान सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसे शक हुआ कि आपकी कॉपी शेरी के बैग में? बस मुझे ऐसा लगा कि शरी ने ऐसा किया होगा ऐसे चीटिंग करने के लिए। आपको शक हुआ या फिर आपको किसी ने पट्टी पढ़ाई थी? मतलब? मतलब ये कि मैं बताती हूँ। आयमा बेटा दिखाओ जरा इन सबको सबूत ताकि पता चले कि ये गलत हरकत किसने की है। तो ये देखे, पहले किसी ने कॉपी उठाई और बाद में शेरी भाई के बैग में डाल दी। देखा ना अंजुम, मैं कहती थी कि ये अल्लाह दिता कभी नहीं सुधर सकता। मैं जानती थी ये अपनी किसी ना किसी हरकत से बच्चों में लड़ाई जरूर करवाएगा, इसलिए मैंने आयमा बेटी को इसके पीछे लगा दिया और इसने इसकी कॉपी चुराते हुए फिल्म बना ली, और ये देख लिया आप सब लोगों ने सबूत। अब अल्लाह दिता कहाँ हो तुम, सामने आओ। वाह चाची तुसी ते छा गए हो, तानू ते पुलिस च होना चाहिदा सी। या मैं ते मजाक कर रहा सा, ते मैं कॉपी वापस रखी देनी थी, वो तो रेहान ने। अच्छा तो मुझे ये किसने कहा था शेरी के बैग में जाकर अपनी कॉपी चेक करो, क्या पता उसने छुपाई हो? वो जी गलती होगी मुझसे। बेटा कितनी बुरी बात है, आपने ऐसा क्यों किया? इधर आओ, इधर आओ, मैं कह रहा हूँ इधर आओ मेरे पास। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? बरसों की मेहनत से इस घर में जो मैंने थोड़ी सी इज्जत कमाई थी तुमने एक पल में मिट्टी में मिला के रख दी। सही कहती थी हाजरा कि तुम्हें ला के मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें तो फौरन इस घर से चला जाना चाहिए था। मैं छोड़ के आता हूं तुम्हें और तुम्हारे बाप को कहता हूं कि ये इस काबिल नहीं है कि ये इस शहर में रहे। मैं क्या करूं, ये सब मुझे गुस्सा दिला रहे थे, ये सब मुझे चिढ़ा रहे थे, कोई मुझसे प्यार से बात ही नहीं करता था, कोई मुझे सही बुलाता ही नहीं था, फिर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेटा आपने जो किया गलत किया, आपको शेरी और रायान से सॉरी करनी चाहिए, लेकिन बच्चों
अल्लाह दीता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप लोग उसको मुसलसल इग्नोर कर रहे हो। ठीक है वो गांव से आया है, उसके मैनरिज्म और आपके मैनरिज्म नहीं मिलते, लेकिन गांव के लोग बड़े सादा और दिल के साफ होते हैं। तभी उसने अपनी मिस्टेक मान ली। चलो आप लोग इसे सॉरी करो, इसे दोस्ती करो। अल्लाह दीता आप भी सॉरी करो भाई से। चलो शाबाश। और बेटा इससे जफ्फी डाल दे। सॉरी सिंधु, आई एम सो सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें इतना कुछ कह दिया। इट्स फाइन भाभी, बट मैंने आपसे कहा था ना कि शेरी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई गलत फहमी है। सच में बहुत बुरी बात है बच्चों, वो बेचारा आप लोगों के घर मेहमान बनकर आया है, तो आप लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? इट डजंट मैटर कि वो कहां से आया, लेट हिम प्ले विद यू। ओ यस यस, वही वही। देखो बेटा कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो फिर तुम शहर नहीं आ सकोगे, याद रखना। अब तो मैंने सॉरी भी कर ली, अब तो मैं शहर आ सकता हूँ ना? हाँ जरूर आना, इसी तरह धोती पहनकर और सुरमा लगाकर। अगर खेलना नहीं आता तो चीटिंग क्यों करते हो? चीटर कहीं का? मैं चीटर नहीं हूँ, तुम हो गए चीटर। मुझे खेलना आता है, तुम ही नहीं बोल दे रहे थे मुझे। आइंदा के बाद मेरे घर में मत आना, मैं अपने अब्बू को बताऊंगा, वो तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। अब अब मजा आया? अगर खेलना नहीं आता तो चीटिंग क्यों करते हो? चीटर कहीं का? मैं चीटर नहीं हूँ, तुम हो गए चीटर। मुझे खेलना आता है, तुम ही नहीं बोल दे रहे थे मुझे। आइंदा के बाद मेरे घर में मत आना, मैं अपने अब्बू को बताऊंगा, वो तुम्हें घर में नहीं आने देंगे। अब हाँ हाँ, मैं भी अपने अब्बू जा। हाँ हाँ बताओ, जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं उनको बताओगे ना? वो कभी मेरे नीचे मीटिंग में आए हैं। आओ चिंटू खेले। मैंने नहीं खेला। चिंटू, चिंटू बेटा क्या हुआ मेरा बेटा? किसने कुछ कहा? अच्छा मुझे बोलो तो सही, दो कुछ कुछ बोलो ना, लड़ाई हुई है? वो अरे वाह, आज तो मेरा बेटा मेरे बुलाए बगैर ही आ गया। लगता है सनी बाबा की किसी से लड़ाई हुई है, इसीलिए तो मूड इतना खराब है। नहीं नहीं, ये तो चिंटू के साथ खेल रहा था और उससे लड़ाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों सनी? अम्मी उसका नाम मत ले, मैंने नहीं सुना उसका नाम, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अम्मी हम फुटबॉल खेल रहे थे, चिंटू ने मुझे जान पूछ के धक्का दिया क्योंकि उससे गोल नहीं हो पा रहा था। मैंने उसे कहा कि चीटिंग मत करो, तो उल्टा मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गया। कहने लगा कि अपने अब्बू को बताऊंगा। मैंने भी कह दिया जाओ बता दो, कहाँ है तुम्हारे अब्बू? आपने ऐसा कहा उसको? वेरी बैड। बहुत अच्छा किया मैंने चिंटू के साथ। बहुत बुरी बात है बेटा। हेलो, हाँ जी फैजान। सनी बेटा, आपके इस बात से चिंटू को कितना दुख हुआ होगा, जरा सोचो बेटा। अगर उसके बाबा नहीं है तो इसमें उसका क्या कसूर है? ऐसा नहीं कहते बेटा, हमारे घर से उसको बहुत प्यार मिलता है, आप भी उसके साथ खेलते हो, लेकिन बाप की कमी तो महसूस होती है ना बेटे? आप तो मेरे अच्छे बच्चे हो, अगर कभी वो शरारत करता है या बदतमीजी करता है तो बेटा उसे प्यार से समझा लिया करो।
बाबा वो आगे चिंटू खाना तो यकीनन आप खा कर ही आए होगे। ऐसा करो थोड़ी देर के लिए सो जाओ फिर उठ के होमवर्क कर लेना। नहीं खाया मैंने खाना। अच्छा तो खाना आज अम्मी के साथ खाओगे। मैं 2 मिनट में खाना लगाती हूँ। अम्मी जान मेरा भी क्यों नहीं है। इस मासूम को मैं क्या जवाब दूँ? आज इसने पूछा है जरूर कोई ना कोई बात हुई है। मुझे खुद को संभालना होगा इस मौके पर। ऐसा क्यों कह रहे हो मेरी जान? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? सबके अब्बू और मेरे क्यों नहीं है? आपको तो पता है ना आपके अब्बू अल्लाह मियां के पास हैं। मैं हूँ ना आपके पास, मगर आप ही क्यों पूछ रहे हो? किसी ने कुछ कहा है? अनी से मेरी लड़ाई हो गई थी, वो मेरी शिकायत अपने अब्बू को लगा दिया। मैं किसको लगाऊंगा शिकायत? अच्छा तो सनी से लड़ाई हुई है, आप मुझसे लगा दो उसकी शिकायत। मगर आप तो उससे प्यार करती हैं, आप तो उसे कुछ नहीं कहेंगी। ऐसे तो सनी की अम्मी अबू भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, करते हैं ना? अम्मी जान मुझे अपने अबू बहुत याद आ रहे हैं, काश मेरे अबू जिंदा होते। चला गया या आपने उसे भेज दिया? लगता है आज वर्ल्ड वॉर 3 हुई है। भाई सदर बहन आपको हमारे आने का मकसद तो पता चल ही गया होगा, अब सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार है। बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल हाँ नहीं है। शादी? किसकी शादी? हमारी गुड़िया की शादी मिसवा भाभी के गुड्डे के साथ। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सदफ की गुड़िया की शादी हो रही है, वो भी तुम्हारे गुड्डे के साथ।